कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले खसरे टेंशन, अरे काम कर ले खसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सीजीपीसी 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की है। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है उसमें आज बेटा लेक्चर नंबर 2 है। तो जो लेक्चर नंबर 2 है आज उस पर अपन बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में, आपको दिख भी रहा होगा। तो ग्राम सभा पहले अपन क्या करते हैं, ग्राम सभा को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी एमसीक्यू है, उसको अपन क्या करते हैं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ग्राम सभा। टॉपिक का नाम क्या हमारे पास? ग्राम सभा है। देखो भाई, बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो देखो मैंने कुछ यहाँ पे पहले से बना के रखे हैं, ग्राम सभा एक्चुअल में क्या है। तो ध्यान में, ग्राम सभा अगर देखेंगे, जो हमारे पास पंचायती राज है ना, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 243A में है। किसमें बेटा? भारतीय संविधान के आर्टिकल 243A में, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय नंबर 2 में भी। कल मैंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें 4 अध्याय हैं। तो अध्याय नंबर जो 2 है उसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर देखा जाए, अपन बात करते हैं ग्राम सभा के परिचय में, तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई है, ग्राम सभा स्थायी निकाय है, ग्राम सभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना। 3 पॉइंट याद रखना, ग्राम सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई है, स्थायी निकाय है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता किसको? ग्राम सभा को। ठीक है, यहां तक। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, जो ग्राम सभा के मेंबर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसका ये मतलब है पदेन सदस्य होते हैं। अब कौन? तो ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्तियों का समूह जिनके पास गांव के अंतर्गत वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता कार्ड है, समझ में आया? तो ऐसा व्यक्ति जिनके पास गांव में वोटर आईडी कार्ड है वो व्यक्ति ग्राम सभा के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर यही व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में एमएलए के लिए, विधायक के लिए, जैसे भी वोट चुनाव होने वाला है उसमें वोट दे सकता है। साथ ही साथ अगर पंचायत का भी चुनाव होता है सरपंच के लिए और पंच के लिए वोट दे सकता है, बराबर। अब आप लोग बताओ, क्या ग्राम सभा के सदस्य उप सरपंच के लिए वोट देते हैं कि नहीं देते? कमेंट करके जल्दी बताइए भाई, क्या उप सरपंच के चुनाव में ग्राम सभा के मतदाता भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहां तक। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा बेटा, राज्यपाल। तो ध्यान पर, यह हमारे पास क्या है, ग्राम सभा के बारे में सामान्य जानकारी है। उल्लेख कहां पर है संविधान पे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में इसका उल्लेख कहां पर है? ग्राम सभा एक्चुअल में क्या है, इसके मेंबर कौन होते हैं, और ग्राम सभा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कौन करता है, किसके नाम से जारी किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? अब ठीक है, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, ग्राम सभा के बैठक के बारे में देखते हैं। तो देखना ध्यान से, जो हमारे पास ग्राम सभा का बैठक की अगर बात करोगे तो बेटा बैठक में सबसे पहले अपन बात करते हैं गणपूर्ति का, कोरम का। किसका बात करते हैं? गणपूर्ति अर्थात कोरम की बात करते हैं, किसमें? ग्राम सभा के बैठक के लिए। ठीक है ना? अब देखो, अगर कोरम की बात करेंगे, गणपूर्ति की बात करेंगे ना अपन, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या रहेगा, एक क्षेत्र रहेगा सामान्य क्षेत्र, और दूसरा हमारे पास रहेगा शेड्यूल एरिया। क्या रहेगा हमारे पास? शेड्यूल एरिया रहेगा। देखते जाओ ध्यान से, देख लो। देखो इसमें एक्चुअल में समझना क्या है, ध्यान देना। ग्राम सभा का बैठक होता है सपोज नॉर्मल क्षेत्र पे, सामान्य क्षेत्र पे, ठीक है ना? तो ध्यान में रखना, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा का बैठक तभी होगा जब गणपूर्ति टोटल ग्राम सभा की संख्या का 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। इसका यह मतलब, अगर गांव में टोटल ग्राम सभा के सदस्य कितने हैं बेटा? 100 है। कितने हैं? 100 है। तो जब तक इन 100 में से 10 लोग नहीं आएंगे, ग्राम सभा का बैठक शुरू नहीं हो सकता। यह पहला कंडीशन है। और दूसरा, जितने लोग उपस्थित हैं
उन उपस्थित सदस्यों में महिला कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना उपस्थित सदस्यों का 1/3 सदस्य महिला होना चाहिए। सपोज उपस्थित है 10 लोग, तो अगर जब तक 3 महिला लोग नहीं आएंगे तब तक सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक नहीं हो सकता। तो सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति की बात करोगे तो टोटल ग्राम सभा की सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए, जितने लोग उपस्थित है उसका 1/3 महिला होना चाहिए। सपोज गांव में 100 लोग हैं तो 100 में जब तक 10 लोग नहीं आएंगे बैठक शुरू नहीं होगा, और इन 10 में से जब तक 3 महिला नहीं आएंगे तब तक बैठक शुरू नहीं होगा। यह सामान्य क्षेत्र के बारे में है। शेड्यूल एरिया में आ जाओ, अनुसूचित क्षेत्र में ध्यान देना ग्राम सभा का बैठक तभी होगा जब गणपूर्ति टोटल सदस्य संख्या का 1/3 है। अर्थात सपोज टोटल अगर ग्राम सभा में टोटल जनसंख्या 100 है शेड्यूल एरिया में, तो जब तक बेटा 33 लोग नहीं आएंगे ना तब तक बैठक शुरू नहीं होगा शेड्यूल एरिया पे। और याद रखना जितने लोग उपस्थित है उसका 1/3 महिला होना चाहिए। 33 लोग उपस्थित है तो 33 का 1/3 कितना होगा बेटा 11, तो जब तक 11 लोग नहीं आएंगे तब तक बैठक शुरू नहीं होगा। वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो ये है ग्राम सभा की बैठक के बारे में, गणपूर्ति के संबंध में मैंने बताया जानकारी, ठीक है ना। गणपूर्ति हो गया, गणपूर्ति के बाद देखते हैं कि ग्राम सभा का जब बैठक होगा तो बैठक के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन कौन होते हैं उस पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में? रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में। तो देखो ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाएगा, बुलाने वाला कौन होगा, गणपूर्ति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और ग्राम सभा का बैठक सपोज हो गया तो भाई अध्यक्ष कौन होगा, उस पर आज चर्चा करते हैं अपन। तो देखो ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाएगा, तो बेटा ध्यान देना ग्राम सभा का जो सामान्य बैठक है उसके लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है। ग्राम सभा का बैठक या तो सरपंच बुलाएगा, सरपंच नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बुलाएगा, सरपंच भी नहीं है उप सरपंच भी नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में सचिव बुलाएगा। यह है ग्राम सभा का सामान्य बैठक, या तो सरपंच या तो उप सरपंच या तो ग्राम पंचायत का सचिव, ये बैठक बुलाने के लिए बाध्य है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये तीनों बैठक नहीं बुलाते हैं या नहीं बुला पाते हैं, समझ में आया, या तो नहीं बुलाते हैं या नहीं बुला पाते हैं, तो इस कंडीशन में जनपद पंचायत ग्राम पंचायत को आदेश देगा, जिला पंचायत ग्राम पंचायत को आदेश देगा, कलेक्टर महोदय ग्राम पंचायत को आदेश देगा। तो ध्यान देना उस कंडीशन में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच या भी सचिव को 1 महीने के भीतर ग्राम सभा का बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। या फिर अगर ग्राम सभा के सदस्य, और याद रखना बेटा कम से कम ग्राम सभा के 1/3 सदस्य ही डिमांड करते हैं कि आप क्या करो ग्राम सभा का बैठक बुलाओ, बराबर कि आप क्या करो ग्राम सभा का बैठक बुलाओ, तो ध्यान रख आपको क्या करना पड़ेगा 1 महीने के भीतर ग्राम सभा का बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। यह है बैठक के बारे में जानकारी। अब ध्यान देना ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो ध्यान देना बेटा वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा जिसका ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है, पंच और सरपंच का होता है। तो यही दो व्यक्ति है, वो याद रखना ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए क्या होता है, याद रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है यहां तक। इसके अलावा कि ग्राम सभा का जब बैठक होता है तो उसमें मुखिया कौन होता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान देना या तो सरपंच करेगा और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। लेकिन ग्राम सभा का बैठक होता है, सरपंच भी नहीं है उप सरपंच भी नहीं है, तो मुखिया कौन होगा, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। उस कंडीशन में ग्राम सभा के मेंबर आपस में से ही किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, और वही व्यक्ति क्या करेगा, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक का संचालन करेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है बेटा तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ग्राम सभा का जो बैठक है, ग्राम सभा के बैठक के संबंध में तिथि के बारे में, किस डेट का होगा, कितने बजे होगा और किस दिन होगा, ये कौन बताएगा, ठीक है। ग्राम सभा का बैठक किस दिन किस डेट किस दिन होगा, कितने बजे होगा, किस तारीख को होगा, ये कौन बताएगा, ठीक है। ग्राम सभा का बैठक होगा कितने दिन पहले बताएंगे, सामान्य बैठक है तो, विशेष बैठक है तो,
और ग्राम सभा का बैठक पूरे साल भर में कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, अनिवार्य बैठक कब कब होता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक हो तो ध्यान देना, ग्राम सभा के बैठक के तिथि के बारे में, समय के बारे में, दिन के बारे में जानकारी सरपंच बताएगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बताएगा, उप सरपंच नहीं है तो सचिव बुलाएगा, कौन बताएगा सचिव बुलाएगा। इतना क्लियर हुआ, इस बात को याद रखना। अगर ग्राम सभा का बैठक होता है तो सामान्य बैठक है तो ध्यान रखना इसकी सूचना 7 दिन पहले दी जाती है, अगर विशेष बैठक है तो इसकी सूचना 3 दिन पहले दी जाती है। बराबर, यह है ग्राम सभा के बैठक के बारे में जानकारी। सामान्य बैठक है तो सूचना 7 दिन पहले, विशेष बैठक है तो सूचना 3 दिन पहले दी जाती है। क्लियर। आगे याद रखना कि ग्राम सभा का बैठक होता है तो ध्यान देना, ग्राम सभा का बैठक पूरे साल भर में मैक्सिमम 6 हो सकता है लेकिन मिनिमम 4 होना अनिवार्य है। समझ में आया, मैक्सिमम 6 हो सकता है लेकिन मिनिमम 4 होना अनिवार्य है, और जो अनिवार्य बैठक है प्रत्येक 3 महीने में कम से कम ग्राम सभा का एक बैठक होना कंपलसरी है, याद रहेगा। और साथ ही साथ साल के 23 जनवरी वाले सप्ताह में, 14 अप्रैल वाले सप्ताह में, 20 अगस्त वाले सप्ताह में और 2 अक्टूबर वाले सप्ताह में ग्राम सभा का अनिवार्य बैठक होना उस सप्ताह भर में किसी एक दिन बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर ग्राम सभा चाहे नवंबर के महीने में, जून के महीने में, जब उनको सही लगे, जब उनके पास समय रहे, जब लोगों के पास समय रहे, बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यह है बेटा ग्राम सभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और वृहद रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा, क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब सीधा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, मैंने ये जो प्रश्न है पूरे टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बस पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं बेटा देखना ही है इसको। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया बेटा, ग्राम सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, स्थाई निकाय है, कभी भी भंग नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम स्तर पर स्थापित होने वाली लोकतांत्रिक संगठन क्या होगा? ग्राम सभा ही तो होगा ना जी। क्यों? क्योंकि इसमें सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है ग्राम सभा, इसलिए तो बेटा वहां पे लोकतंत्र तो जरूर होगा। इसका यह मतलब है कि जो ग्राम सभा है वो अपने आप में लोकतांत्रिक संगठन है जो पंचायती राज में न्यूनतम स्तर पर स्थापित हुआ है। ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखना ध्यान से, ग्राम सभा की परिभाषी में, ठीक है, परिभाषा में क्या शामिल है? ठीक है, यहां तक देख लो, प्रश्न पढ़ लो। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खालिस्तान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा की परिभाषा में क्या क्या आता है? आदर्श ग्राम पंचायत आता है, ग्राम वन ग्राम आता है, राजस्व ग्राम आता है कि अनुसूचित ग्राम आता है? तो बेटा ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो जरूरी है, पटवारी लोग, आरआई लोग, तहसीलदार लोग, राजस्व ग्राम, ठीक है, इसी में तो काम करेंगे, इसी के लिए काम करेंगे। दूसरा, आदिवासी लोगों के लिए वन ग्राम होगा, ये जरूरी है। लेकिन बेटा आदर्श तो टाइटल दिया जाता है, शेड्यूल ग्राम नहीं होगा, शेड्यूल क्षेत्र होगा। ठीक है, यहां तक तो ध्यान देना, इसका उत्तर 2 और 3 हमारे पास क्या है? सही हो रहा है, दिख रहा है किसी को? इसलिए जो प्रश्न नंबर 2 होगा इसका उत्तर क्या होगा? बी। समझ में आया जी? ग्राम सभा के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं? या तो राजस्व गांव आएगा और दूसरा क्या आ सकता है, याद रखना, वन ग्राम आ सकता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और प्रश्न निकालने का प्रयास करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? तो देखो ऑप्शन, चलो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं मिटा देता हूं, आपके ऊपर समझने में इजी हो।
इसको पहले समझते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के माध्यम से गांव के रूप में भी निर्दिष्ट, उसको अपन ग्राम कहेंगे क्या। कलेक्टर द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में भी निर्दिष्ट, आयुक्त के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में भी निर्दिष्ट, सॉरी लोक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में भी निर्दिष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, जब भी एक वर्ड आता है इसको अच्छे से याद करो, जब भी अधिसूचना आएगा, अधिसूचना केवल और केवल राज्यपाल के नाम से नोटिफाई होता है, आदेशित होता है। तो बेटा याद रखना, इसका उत्तर आंख बंद करके ए लेना, क्योंकि वहां पे लिखा है राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। तो याद रखना इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अधिसूचना आएगा तो आंख बंद करके बेटा क्या लिखना है, राज्यपाल, ठीक है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय नंबर जो 14 है, अध्याय नंबर जो 14 हमारे पास है, वो किससे संबंधित है। तो पहला पढ़ते हैं, देखो भाई, सबसे पहला निर्वाचन के संचालन से संबंधित है, पंचायतों के कामकाज के संचालन एवं पंचायत की सम्मेलन की प्रक्रिया से संबंधित है, तीसरा पंचायतों की निधि और उसके एसेट्स संपत्ति से संबंधित है, या शेड्यूल एरिया में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। बराबर यहां तक इतना क्लियर हुआ, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा। क्लियर है यहां तक, देख लो अच्छे से, ध्यान रहे बेटा। जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का अध्याय नंबर जो हमारे पास कौन सा है, 14 है, ठीक है, यहां तक उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है यहां तक, इसको याद रखना। अगला पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 चलते हैं, ग्राम सभा की बैठक के विषय में क्या सही नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर कहीं पे अगर अध्याय टोटल 4 है बोला, तो ऐसा नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में ना अनुसूची टोटल 4 है, अध्याय 15 है, ठीक है, याद रखना बेटा, क्लियर है। और धारा 132 कल बता दिया था। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, ग्राम सभा की बैठक के विषय में क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसको पहचानना है, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, ग्राम सभा के बैठक के संबंध में क्या सही नहीं है इसको पहचानना है। क्लियर है यहां तक, इसको देखिए बेटा, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही की गलत है, जल्दी बताओ, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही की गलत है जी, देखते हैं आगे, मतलब जो सही है वो आपका उत्तर नहीं होगा, जो गलत है वो आपका उत्तर होगा ना, यहां पे बोले क्या सही नहीं है। दूसरा, तो ये तो सही है, ठीक है, चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, याद रहेगा चक्रानुसार ग्राम पंचायत के गांव में बैठक होगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, क्लियर है यहां तक, अनिवार्य नहीं है ना। ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों को लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर या फिर अपेक्षा किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, याद रहेगा, ध्यान में बेटा, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जब लिखित रूप से क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तब, तो याद है 1/10 लिखा है, अगर यहां पे 1/3 होता तो जरूर यह सही हो जाता, लेकिन यहां पे क्या लिखा, 1/10 लिखा, इसलिए गलत हो गया। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी, मैंने अभी बताया था कितने दिन के भीतर होगी, 30 दिन के भीतर, इसलिए यह भी गलत है। आपको पहचानना क्या था, क्या सही नहीं है, तो 2 गलत है, 3 गलत है, 4 भी गलत है, गलत ही गलत है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान देना, जो प्रश्न नंबर 5 है इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा बेटा, क्लियर हुआ, इस बात को याद रखना है, ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे, इसको डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 के बाद अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। इसका उत्तर आप लोग से उम्मीद करता हूं दोगे आप लोग, ठीक है, बताइए कि सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, याद रहेगा, क्लियर है बेटा, या फिर एक प्रकार से ऑडिट कौन करता है, सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट कौन करता है। तो देखो, सीईओ जनपद पंचायत जिला पंचायत नहीं करेगा, जिला पंचायत करते हैं क्या, ये भी नहीं करेगा, जनपद पंचायत करेगा नहीं, तो ऑडिट कौन करेगा बेटा, ग्राम सभा के मेंबर लोग ही करेंगे ना। तो ध्यान देना,
ग्राम पंचायत को कंट्रोल करने का काम, जो हमारे पास ग्राम पंचायत है क्लियर है, इस पर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कौन करेगा? ग्राम सभा ही करेगा। तो याद रखिएगा, तो प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, इसका उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? कैसे करेगा? बैठक होगा, ठीक है यहां तक। बैठक में गणपूर्ति लाओ, गणपूर्ति लाने के लिए कौन बाध्य है? सरपंच और पंच बाध्य है। अगर नहीं आए तो ऑब्वियसली बात है उनको उनके उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, बराबर यहां तक ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो अच्छे से, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? ठीक है, देखो बेटा, जो बजट मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, समझ में आया? तो ध्यान देना, बजट कब पारित होगा? तो याद रखना, स्थगित बैठक में हो ही नहीं सकता, ठीक है। बजट के लिए बेटा नॉर्मल हमारे पास बैठक होना चाहिए, विशेष बैठक तो हो ही नहीं सकता। अब नॉर्मल या फिर असाधारण बैठक होगा क्या, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठक होगा क्या? नहीं। तो ध्यान देना, यहां पे क्या होगा, जब ग्राम सभा का साधारण बैठक होगा तभी, याद रहेगा, तभी क्या होगा, ग्राम पंचायत का बजट क्या हो सकता है? पारित हो सकता है। क्लियर है? ग्राम पंचायत के बजट को तैयार कौन करेगा? ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। इसको अनुमोदन कौन देगा? ग्राम सभा देगा। कौन देगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा किस बैठक में देगा? तो ग्राम सभा जो है अपने साधारण बैठक पे, ठीक है, साधारण बैठक में क्या करता है, वो बजट को अप्रूव करता है। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है? इसको प्लीज याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ग्राम पंचायत के बजट के संबंध में प्रावधान। बजट मतलब संविधान में इसका नाम लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या, ध्यान से पढ़ो, ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है? याद रहेगा, ग्राम सभा के बैठक के विषय में क्या सही है? ठीक है, यहां पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पहचानना है, देख लो भाई। क्लियर है यहां तक? समझ में आया यहां तक? इसको याद रख लो, ठीक है। ग्राम सभा के बैठक के संबंध में क्या क्या सही है, ये आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है भाई, क्लियर है? देख लो अच्छे से, मतलब आपको यह पहचानना है सही क्या है। ठीक है, पहले ऑप्शन बढ़ते हैं। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है ग्राम पंचायत को, सही कि गलत है? क्यों बोलेगा भाई, उसका काम थोड़ी है वो। तो एक तो गलत है, देख लो, एक जहां पे है वो आपको उत्तर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आप होगा ही नहीं। जनपद पंचायत के बैठक बुलाने के लिए, जनपद पंचायत बैठक बुलाने कह सकता है ग्राम पंचायत को, बिल्कुल बोल सकता है ग्राम सभा को। तो देखो, जहां पे 2 होगा वो सही होगा, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, इसे उत्तर क्या होगा, बी होगा। ऐसी देख लो, ऐसी बन गया, ये ऑप्शन सी बन गया ना जी, बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो ऑप्शन सी बन गया। अब देखो, इसके बाद कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, ये भी है, इसलिए देखो 2 और 3 सही हो गया। यदि ग्राम सभा के सरपंच बैठक बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है, 4 भी सही है, ये ऑप्शन हो गया। और यदि ग्राम सभा के 4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करें, तो नहीं, 4 जने से क्या होगा यार, इससे इसका उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा, ये मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था। तो ध्यान देना, जो प्रश्न नंबर 8 है कि ग्राम सभा का बैठक कौन कौन बुला सकता है, या सरपंच, उप सरपंच, सचिव, अगर तीनों नहीं बुलाते हैं तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर आदेश करेगा, 1 महीने के भीतर बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य डिमांड करते हैं कि ग्राम सभा का बैठक बुलाओ, तो ग्राम सभा का बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहां तक इसको प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, अच्छे से देख लो, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? प्रश्न नंबर 9 को देखो, प्रश्न क्या पूछा है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, बराबर यहां तक देख लो अच्छे से, ध्यान से देखना। पहला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सही कि गलत है? सही है, सही बात है कि नहीं जी, याद रहेगा ना कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है, सही बात है, याद रखना यहां तक, ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह भी सही है, बताया था भी आपको, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच
बैठक की अध्यक्षता करेगा सरासर गलत है। ठीक है, देखो एक दो सही है, एक दो सही है, एक दो सही है, एक दो सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, याद रहेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह भी गलत है। तो चार भी गलत है, चार कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल सही है, बोला था ना भाई, अगर सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं है तो अध्यक्ष कौन करेगा, जो ग्राम सभा के मेंबर है वो आपस में चुनेंगे किसी एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति क्या करेगा, ग्राम सभा की बैठक का संचालन करेगा, ये मैंने बताया था आपको, तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर हमारे पास पांच भी सही हो गया। छठवां अगर देखा जाए, सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी नहीं है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी भी गलत हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से, तो ध्यान देना ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता के बारे में यह प्रश्न था, तो मैंने बताया था सरपंच करेगा, उप सरपंच करेगा, अगर दोनों नहीं है तो कौन करेगा, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, और वो व्यक्ति क्या करेगा, ग्राम सभा की बैठक का संचालन करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यहां तक ये बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 9 के बाद अगला अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, एक बार अच्छे से रीड करो बेटा, चलो तो एक बार रीड करो तो इसको, और बताओ इसका उत्तर कमेंट करके, बताओ इसका उत्तर क्या होगा, एक बार रीड करो आप लोग अच्छे से, बताइए भी पढ़ लिए, एक बार रीड करते हैं। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लोक एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती, सही बात है, ये सब काम ग्राम सभा करता है, लेकिन कब करता है, पहला ऑप्शन ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ठीक है, सरपंच नहीं भी रहेगा बेटा उप सरपंच अध्यक्षता कर सकता है, इसलिए ये पॉइंट नेसेसरी नहीं है, वो रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ये दोनों ही रहेंगे फिर भी बैठक हो सकता है, पता है आपको क्यों, ठीक है, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, तीनों नहीं रहेंगे फिर भी बैठक हो जाएगा, तो याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब ग्राम सभा में गणपूर्ति है तो याद रखना सरपंच रहे ना रहे, उप सरपंच रहे ना रहे, पंच लोग रहे ना रहे, अगर ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति है, कोरम है, तो ध्यान देना जितने भी विषय पंचायती राज 29 विषय वो सब ग्राम सभा के बैठक में पारित किया जा सकता है, सरपंच उप सरपंच या पंच रहे ना रहे मैटर नहीं करता, ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए, गणपूर्ति होना चाहिए, समझ में आया यहां तक, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह था प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 के बाद अगला पर रुक करते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, और प्रश्न नंबर 11 को समझने का प्रयास करते हैं, ये प्रश्न नंबर 11 है क्या। ठीक है, यहां तक देख लो, पहले पढ़ो अच्छे से कि ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है, याद रहेगा, मतलब ग्राम सभा के पास जो पावर है, ग्राम सभा का जो कर्तव्य है उसको निर्धारित कौन करता है, बेटा आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कौन ग्राम सभा को शक्ति देगा, स्रोत कौन है, जो कानून बनाता है, कानून बनता कहां पर है, सरकार बनाता है क्या, नहीं, सरकार का काम केवल कानून को लागू करना होता है, कानून को बनाने का काम विधायिका का होता है, और विधायिका का मतलब क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा, क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, याद रहेगा, यहां तक देख लो अच्छे से, तो देख लो प्रश्न नंबर जो हमारे पास 11 है कि ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है, तो ध्यान देना राज्य विधानमंडल करता है, कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, यही कानून के माध्यम से ग्राम सभा को, जितने भी पंचायती राज से संबंधित निकाय है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उन सबको क्या करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है कानून के माध्यम से, बराबर, इसको प्लीज याद रखिएगा, ये है प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। ठीक है, अभी पूरा ग्राम सभा चलेगा, पंचायत, ये पेशा एक्ट के बारे में पूछ रहा है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायत और ग्राम सभा के पास का स्वामित्व है, याद रहेगा, यहां तक इस प्रश्न को देखो और इसका उत्तर का, तो ध्यान में जो पेशा एक्ट है
उसके तहत जो राज्य का विधानमंडल ये सुनिश्चित करेगा कि पंचायत और ग्राम सभा के पास जो एसेट्स है, जो हमारे पास क्या है, जो स्वामित्व है, उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, कृषि भूमि होगा, लघु वनोपज होगा, गांव के बाजार होंगे, या फिर गांव का पशुधन होगा। बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, हाँ कि नहीं। तो देखो बेटा, जो पेशा एक्ट आया था ना, वो शेड्यूल एरिया में पंचायती राज के प्रशासन से संबंधित है, बराबर यहां तक। उदाहरण यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, अगर बात करेंगे शेड्यूल एरिया जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जीविकोपार्जन का मेन सोर्स क्या होगा, वहां पे लघु वनोपज होगा। तो हमें जो हमारे पास लघु वनोपज है वो याद रखना ग्राम सभा का स्वामित्व होगा, मतलब इसका स्वामित्व किसके पास होगा, ग्राम सभा के पास होगा, किसका, लघु वनोपज का, बराबर याद तक। इसलिए जो प्रश्न नंबर 12 है इसका उत्तर क्या होगा, बी। और ध्यान रहे बेटा एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, जो हमारे पास पेशा एक्ट 1996 है ये भूरिया समिति के सलाह पर लागू हुआ था, लाया गया था, याद रहेगा। जो पेशा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, याद रखना ये भूरिया समिति की सिफारिश के बाद आया था पूरे भारत पे, बराबर याद तक, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 के बाद अगला अपन आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं अपन, ठीक है। देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करता है, ठीक है, याद रहेगा, देख लो अच्छे से। प्रश्न नंबर 13 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली प्रदान करता है, ठीक है, बताओ उत्तर क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल पे यहां पे स्पेस है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक है, समझना। छत्तीसगढ़ एक खाली स्थान पंचायत प्रणाली संचालित करता है, यहां पे दो स्तरीय पंचायत प्रणाली है कि तीन स्तरीय है कि एक स्तरीय कि चार स्तरीय। देखो हमारे पास, सुना होगा आपने, ग्राम स्तर पर, ठीक है, प्रखंड स्तर पर या फिर जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर, तीन प्रकार की पंचायतें हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है, जिला स्तर पर जिला पंचायत है। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो पंचायत है वो कितने स्तर के हैं, तीन स्तर के। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, बी होगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में पंचायत की कौन सा स्ट्रक्चर है, तीन स्तरीय संरचना छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायतों का, बराबर यहां तक, इसको याद रखना, क्लियर है यहां तक, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, देख लो ये हमारे पास है पंचायती राज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 के बाद अगला अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से एक बार रीड करो, चलो एक बार रीड करो आप लोग। पंचायतों को न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है, पंचायतों में, ठीक है, यहां तक याद रखना बेटा, क्लियर है। देखो ध्यान से, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर का, सदस्यों का, तो देखो हमारे पास एक क्या रहता है, ग्राम पंचायत रहता है, एक हमारे पास जनपद पंचायत रहता है, एक हमारे पास जिला पंचायत रहता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, एक काम करते हैं पहले मिनिमम करते हैं, इसमें मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं वो आपको देखना है। तो देखो ध्यान से, ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 सदस्य हो सकते हैं, जनपद पंचायत में कम से कम 10 अधिक से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं, जिला पंचायत में कम से कम 10 अधिक से अधिक 35 सदस्य हो सकते हैं, बराबर यहां पर, क्लियर है, याद रखना, समझ में आया बेटा। कम से कम 10, कम से कम 20 ग्राम पंचायत में, कम से कम 10 अधिक से अधिक 25 जनपद पंचायत में, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 जिला पंचायत में सदस्य हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है, बराबर यहां तक, इसको देखिए। अब इसका उत्तर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ तो आप लोग, ठीक है। प्रश्न पे आते हैं, ग्राम पंचायत 10 से 20 सही बात है, ग्राम पंचायत 10 से 15 गलत है, जनपद पंचायत 10 से 20 गलत है, जनपद पंचायत 10 से 25 सही है, जिला पंचायत 10 से 35 सही है और ग्राम पंचायत 10 से 30 गलत है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1, 4, 5 ऑप्शन में कहीं पे है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यहां तक देख लो, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या मिलेगा आपको बेटा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, क्यों होगा बताया था अभी इसका उत्तर, ठीक है। 14 के बाद अगला अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर किसमें आते हैं, 15 पे आते हैं, बराबर यहां तक किसमें आते हैं,
15 पे आते हैं, ठीक है ना। देख लो अच्छे से एक बार, रीड करो, ठीक है, यहां तक रीड करना है जी, क्लियर है यहां तक, देख लो अच्छे से। पंचायती राज संस्था में कौन दो पद धारण कर, कौन सा व्यक्ति है जो दो पद धारण करता है। नीचे से चलते हैं, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पहले ना जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य था, और निर्वाचित सदस्य लोग आपस में इसके उपाध्यक्ष को चुनते हैं, मतलब इसके पास दो पोस्ट है, सही बात है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, सॉरी, जिला पंचायत का जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ये भी दो पोस्ट धारण करता है। उप सरपंच की बात करते हैं, क्या उप सरपंच हमारे पास दो पोस्ट धारण करता है, देख लो अच्छे से भाई इसका उत्तर क्या होगा और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, उप सरपंच पंच भी होता है और उप सरपंच, लेकिन सरपंच केवल सरपंच होता है, ये ना तो उप सरपंच होगा ना तो पंच होगा, बराबर, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर देख लो जो भी होगा, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 गलत है। ये है प्रश्न नंबर 15 के बारे में, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 16 को देखो ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है। देखो अच्छे से ध्यान से इस प्रश्न को रीड करो, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 16 है, उसका उत्तर देखो भाई क्या है, याद रहेगा, देख लो अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सही है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत होगा, नहीं, देखो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा हो सकता है लेकिन प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों के द्वारा नामजद होता है, नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, दूसरा भी गलत है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, बेटा गलत है, आर्टिकल 243D किसके लिए है, आरक्षण का प्रावधान करता है ना। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है, सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, डी, समझ में आया ना भाई, ये सिंपल है एकदम, याद रहेगा ना, इसको ध्यान देना, ये क्लियर है ना। देखो ग्राम पंचायत, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, आगे इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17, देखो 17 क्या है, बट रीड कर लो, चलो रीड करो, तो आप लोग रीड करो भाई। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है, याद रहेगा, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो, संसद सदस्य जो व्यक्ति एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्यों लड़ेगा, वो लड़ सकता है क्या, तो ध्यान देना, प्रश्न क्या पूछा है, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, ये आपके पास प्रश्न है, याद रहेगा। तो देखो कौन नहीं लड़ सकता है, ये देखना है। तो देखो, संसद सदस्य लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता, क्लियर है, ये याद रखना। विधानमंडल का सदस्य एमएलए लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता। सहकारी समिति का सभापति लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता। सहकारी समिति का उप सभापति लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता। इसलिए इसमें आखिरी, सहकारी समिति का सदस्य ये लड़ सकता है, सदस्य लड़ सकता है, लेकिन उप सभापति और सभापति नहीं लड़ सकता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में कहीं पे है क्या, देख लो, हाँ 1, 2, 3, 4, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया बेटा, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना। आगे आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ भाई प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, निम्न में से कथन कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो अच्छे से, निम्न में से कौन सा कथन सही है, याद रहेगा, देख लो अच्छे से। देखो भाई, सबसे पहला, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, याद रहेगा, बिल्कुल सही है, बैठक बुलाना है कम से कम एक बार, ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष माह में कम से कम दो बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा, याद रखना बेटा, कम से कम एक बार जरूरी है, दो बार अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना, कम से कम की बात हो रही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष माह में, ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष माह में
कम से कम दो बार जिला पंचायत की बैठक बुलाए, नहीं कम से कम एक बार है, याद रहेगा। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, याद रहे ये भी सही है। नवीन बैठक की सूचना कौन जारी करेगा? सचिव करेगा, सही है। यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो वहां का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्थात सीईओ है वो सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, यह भी सही है। तो ध्यान में इसका उत्तर क्या होगा, याद रखना, एक, चार और पांच याद रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बराबर यहां तक इस बात को याद रखना, क्लियर है? तो देख लो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 18 है उसका उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से। ध्यान में रहे बेटा, जो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इसका बैठक महीने में ना कम से कम एक बार होना अनिवार्य है, कम से कम एक बार। ठीक है ना, यहां तक इसको याद रखिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बराबर देख लो, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है, यह भी मैंने कल बताया था। जब भी कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल तक, ये हमारे पास उत्तर होता है। देख लो कहीं पे लिखा है क्या, चुनाव की तारीख से करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तारीख से करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तारीख से करते हैं क्या, या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तारीख से करते हैं क्या? इसलिए देख लो अच्छे से इसका उत्तर क्या होगा। देखो भाई ध्यान से देखो, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताओ कमेंट करके आप लोग बताओ। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा, ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक की तारीख से कि ग्राम सभा के प्रथम बैठक की तारीख से, उसका उत्तर बी होगा कि सी होगा, जल्दी से बताइए भाई कमेंट करके। बराबर तो याद रखना, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी, क्लियर है? ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक की तारीख से लेकर के 5 साल तक ग्राम पंचायत में जितने भी पदाधिकारी उनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, यहां तक लास्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं और यह आज का आखिरी प्रश्न होगा। इस प्रकार से मैंने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करवा दिए। देखो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है, देख लो अच्छे से प्रश्न क्या पूछा है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है। बराबर यहां तक देख लो अच्छे से इसका उत्तर क्या है, देखते फिर अपन, देख लो भाई। देखो पहला, बैठक के बारे में पूछा है, बैठक मैंने बताया है, सरपंच प्रत्येक माह एक बैठक बुलाएगा, सही है, अभी इसको किए थे। सरपंच प्रत्येक माह दो बैठक बुलाएगा, गलत है, यह भी बताया था अभी आपको। आधे से अधिक पंच विशेष बैठक के लिए अनुरोध कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, याद रहेगा। पंच लोग ना भाई, 1/3 पंच नहीं, 50% पंच अगर डिमांड करेंगे तो बैठक बुलाया जा सकता है, याद रहेगा। आगे, यदि सरपंच ऐसा विशेष बैठक नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है, याद रहेगा। आगे अगर देखा जाए, यदि सरपंच विशेष बैठक बुलाने से इंकार कर देता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, बिल्कुल, ते नहीं बुला था, मन बुला ले वो, तो याद रखना इसका उत्तर क्या मिलेगा बेटा, देख लो अच्छे से, एक ए सही है, सी सही है और ई सही है, दिख रहा है, ए ई सी दिख रहा है यहां पे। इसलिए जो प्रश्न नंबर बी से उसका उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ई मिलेगा। बराबर याद तक, तो देखो अभी तक मैंने आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये किस पे बेस्ड था, तो देख लो आज का हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा ग्राम सभा पे बेस्ड था। तो ध्यान में, जो हमारे पास ग्राम सभा में जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्या था, एमसीक्यू था, याद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास एमसीक्यू है वो आज मैंने करा दिए। आने वाला जो लेक्चर होगा इसके बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसका पूरा जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको मैं कल लेके आता हूँ। ठीक है ना, तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बच्चा जो भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। ठीक है, बाकी अपन दूसरे इसके बाद जो भी लेक्चर होगा उस पर नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, विदा लेते हैं, बाकी अपन कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।